हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शुभम। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, हमारे आधार कार्ड में ओटीपी ना आना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और हमें पता है कि हमारा सही सही नंबर, हमारा आधार कार्ड में नंबर जो है वो लिंक है, फिर भी हमारे मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रही है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे चेक भी कर ली, हमारा फ़ोन भी सही है, हमारी सिम भी सही लगी हुई है, और साथ ही हमारे अनदर मैसेज भी हमारे मोबाइल में रिसीव्ड हो रहे हैं, पर आधार का ओटीपी नहीं रिसीव हो रहा है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो गाइस, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अगर आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर में ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप किस प्रकार से ये सारी प्रोसेस करके आप अपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, बिना वक्त गवाए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है आधार कार्ड। आधार कार्ड में जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट वाली जो लिंक आपको यहाँ पे शो हो रही होगी UIDAI में करके, यही जो है आधार कार्ड की लिंक होती है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। तो अब मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी प्रेफरेंस हो, आपको हिंदी में कन्वर्सेशन सही अच्छा लगता है या इंग्लिश में, आप वो चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद इसका इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार का नज़र आएगा। इसके लिए आपको ऊपर जाना होगा और सीरियल वाइज इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं जहाँ पे शो करा रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करना होगा गाइस। तो ये यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसके जो भी ऑप्शंस होंगे वो सीरियल वाइज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट, आधार कार्ड डाउनलोड और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो हमारे जो आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है, उसमें गाइस ओटीपी की प्रॉब्लम है, ओटीपी उस पर आ नहीं रहा है, उस पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लेन करनी होगी, एक शिकायत करनी होगी आपके आधार कार्ड में कि आपका ये सारी चीज़ें सब सही चीज़ें होने के बावजूद आपकी ओटीपी यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे से सेकंड नंबर पे, इसका नाम होगा ग्रेवियंस एंड फीडबैक। इसका मतलब होता है शिकायत करना। इसके लिए आपको यहीं पे क्लिक करना होगा। अब इसके लिए आप यहाँ पे इंटर नेम, तो पहले सिंपली आपको नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, जिस आधार कार्ड का नाम जिस नाम नेम से है वही नाम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा और सेम टू सेम यहाँ पे फिल भी करना होगा गाइस। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख दिया हूँ। फिर इंटर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, जो भी आधार कार्ड से लिंक नंबर हो, वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं शो नहीं करा सकता, इसलिए मैं इसको बाद में फिल कर दूंगा। इसके बाद इंटर स्टेट, तो स्टेट में जैसे कि आपका कौन सा स्टेट्स में आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं एमपी से हूँ तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेवियंस और स्लैश करके फीडबैक। अब यहीं पर आपको करना है कि यहाँ पर सेल्फ है और अदर है, तो मैं यहाँ पर सेल्फ मतलब अपनी खुद की मदद करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर इंटर ग्रेवियंस, तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऑथेंटिफिकेशन इशूज पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कैटेगरी टाइप्स, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जारी नहीं हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको नीचे से एक ऑप्शन मिल जाता है रिसेंटली अपडेट फ़ोन नंबर बट नॉट रिसीविंग ओटीपी ऑन द सेम, तो यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आएंगे जिसमें लिखा होगा EID/URN। इसका मतलब जब आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं गाइस, तो आपने देखा होगा कि आपको एक स्लिप मिलती है, उसमें सबसे ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो गाइस, आपको वही चीज़ को यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको यदि आपके पास नहीं है गाइस कि आपका अपडेट नहीं करवाया है और आपके पास सिर्फ आधार कार्ड नंबर है, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को भी इंटर कर सकते हैं। हालाँकि मैं आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर इंटर कर दूंगा और ये SRN वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे डाला है वही डॉक्यूमेंट्स
तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जिसके पास जो रिसिप्ट होगी, जो आपने अपडेट कराया है उसकी स्लिप्स होगी, वो वाले यहाँ पे डालेंगे, और जिसके पास नहीं होगा वो सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटो ही डालेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस आधार कार्ड की फ़ोटो 2 MB से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको कर लूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डियर रजिस्ट्रेंट, यू आर रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड अपडेट रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर टू रिसीव्ड योर कन्वर्सन इफेंस। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आधार कार्ड से रिलेटेड। जैसे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से OTP नहीं आ रहा है, तो वही सारी रीज़न आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी में आपसे आता है तो हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखिए, जो चीज़ जिस भी लैंग्वेज में आती है आपको वहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ जो कैप्चा है उसको फिल कर देना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला था और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर नहीं डाला था, तो उसे मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर ली हुई हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना और यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर्स वगैरह जो मेरी स्लिप्स की थी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, और फ़ोटोज़ भी मैंने ऐड कर लिए हैं, और इसके बाद जो लिखने का काम है वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर सर, OTP इज नॉट बीइंग जनरेटेड इन द मोबाइल नंबर लिंकड टू माई आधार कार्ड एंड आई हैव चेक्ड एवरीथिंग इवन माई मोबाइल नंबर इज ए करेक्ट Still OTP is not coming on my mobile number। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर भी यहाँ तक कि सही है सारी चीज़ें, फिर भी मेरे मोबाइल नंबर पे OTP जनरेट नहीं हो रहा है, और यही चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख दी हुई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा जो फिल है, जिस भी कैपिटल में है, स्मॉल में है, वो चीज़ों को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक सबमिट हो चुका है और एक जनरेट हो गया है, SRN नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है गाइस। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है, जिसके कारण आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने जो आवेदन दिया है क्या उसका प्रोसेस है, मतलब क्या वो सुधरा है कि नहीं है, क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स जो भी होगा, जो आधार कार्ड से जो आपका लिंक है उसमें क्या रिस्पॉन्स है, इसको चेक भी आप कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से आपका एक यहाँ पे ग्रेवियंस फीडबैक, मतलब शिकायत यहाँ पे आपकी दर्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बैक चले जाना है, और उसे चेक करने के लिए मैंने हालांकि इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। इसके बाद आपको बैक चले जाना है गाइज, और आपको यहाँ पे इसे चेक करने के लिए कि आपकी शिकायत का क्या हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेक ग्रेवियंस और फीडबैक स्टेटस। आप यहां पे एक जैसे ही क्लिक करेंगे, हालांकि मैंने अभी प्रेजेंटली इसको डाला हुआ है तो इस कारण से उसका रिस्पॉन्स अभी तक मुझे नहीं मिलेगा, और आपको वही यहां पे जो नंबर आपको दिया गया था वो इतना सारा था उसको यहां पे इंटर करना है, साथ में ये जो कैप्चर है उसको यहां पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सीधे आपको सबमिट कर देना है। जैसे कि मैंने यहां पे कैप्चर तो लिख ले रहा हूं, अभी वो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस कारण से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो शिकायत है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो प्रॉब्लम की शिकायत है वो आधार केंद्र में दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो और वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।